नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप शनिवार को भारत आ पहुंच गई। इसे लेकर आए एक विमान ने हैदराबाद में लैंड किया। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। तथ्य से सीईओ किरिल दिमित्रियेव ने कहा कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज लगाई जाएंगे। कुछ समय बाद कंपनी प्रोडक्शन और बढ़ाएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। उधर देश भर में 1 मई से 18 साल से 44 साल तक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने से मना कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने इन बयानों के विपरीत कहा कि सभी राज्यों में 1 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध है और अगले 3 दिनों तक 20 लाख खुराक उन्हें मिल जाएगी। केंद्र ने यह भी बताया कि सरकार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराना जारी रखेगी। 5 भाजपा शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक समेत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 11 अन्य राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तय समय से शुरू करने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में शनिवार से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग की। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी पर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को 1 माह बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। पहले 30 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। इसमें खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों, लघु और सीमांत किसानों और सरकारी विभागों में कंसंट्रेट में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को प्रीमियम नहीं देना होगा। इनका प्रीमियम सरकार भरेगी। इस कैटेगरी के अलावा कोई भी 850 रुपए का प्रीमियम देकर 5 लाख का हेल्थ बीमा करवा सकेगा। अब तक लगभग 22.85 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। जो परिवार अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं उन्हें 1 मई से ये लाभ मिल सकेगा और जो परिवार 31 मई तक इसमें जुड़ेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन की तारीख से लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, कोरोना से लड़ने में मुझे अगर पूरा बजट भी झोंकना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन संसाधनों की कमी से किसी की मौत हो जाए तो ये मंजूर नहीं, यह बर्दाश्त नहीं है। 18 साल से अधिक की उम्र वालों को फ्री वैक्सीनेशन में 3000 करोड़ का खर्च सरकार उठाएगी। हम 3000 करोड़ का जुगाड़ करेंगे, कम पड़ेगा तो बजट से दे देंगे, सबको वैक्सीन लगवाएंगे। भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जितनी वैक्सीन आएगी लगती जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों से फिलहाल शादियां टालने की अपील की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कोरोना की इस भयानक दूरी वेव को दौरान जिन लोगों की शादियां हैं उनसे अपील है कि फिलहाल अपनी शादियां टाल दें। अभी शादी में खुशियों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी। इस महामारी पर विजय पाने के लिए कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है और जो शादी में आने वाली भीड़ से संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाना शुरू हो रहा है। मैं पुनर्रूप प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं कि इस आयु वर्ग समेत सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा करें, जिससे जल्द से जल्द एवं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में बचपन से लेकर बड़े होने तक BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, मिजल्स, रुबेला, जापानी बुखार, DPT, टिटनस और न्यूमोमोलिकल वैक्सीन समेत 12 टीके निशुल्क लगाए जाते थे। इसी का परिणाम है कि अधिकाधिक बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित हो पाते हैं। गहलोत ने कहा कि अमेरिका जैसे पूंजीपति देश ने भी अमीरों सहित सभी को निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिससे टीकाकरण अभियान की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भारत में भी कोरोना के निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करें, जिससे सभी को टीका लग सके। देश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने से लिए केंद्र में शनिवार को अपील की है।
गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें जागे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण में एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 32 लाख से पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में शनिवार को सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के में 4,01,993 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,91,64,969 हो गई है और 3,523 और लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,11,853 हो गई है। कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को सरकार पर सच दबाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है और इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को ट्वीट किया कि उप्र में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है और इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर भी भयानक के बारे में इस बार भी विचार किए बिना उप्र में लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनावों को कराया गया। बैठक में हुई चुनाव अभियान चला रहा और अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है जो कि झूठे सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरे उप्र में ग्रामीण इलाकों में लोगों की घरों में मृत्यु हो रही है और इनको कोविड से होने वाली मौतों में आंकड़ों में भी नहीं गिना जा रहा है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जांच ही नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी लिखा कि सरकार का रुख सच दबाने की तरफ है और उसका अधिकतम प्रयास जनता व लोगों के दिन रात सेवा कर रहे मेडिकल समुदाय को भयभीत करने में रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में जो घट रहा वह मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग इनमें भागीदार है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा जारी की गई मृतक शिक्षकों की सूची में संकलन की गई है। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी अदिति को दीजिए विदा। एसटीएन टुडे की टीम की ओर से नमस्कार।